राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे में साइबर फ्रॉड करने वाले लोग भी काफी सक्रिय हो गए हैं। अलग अलग तरीके के ओटीपी लोगों के पास भेज रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, और ये कह रहे हैं कि उनको वीआईपी पास दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे क्यूआर कोड दिए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो लोग इसके जरिए चंदा दे सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से फ्रॉड हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी। सर, किस तरीके से इस समय फ्रॉड हो रहा है राम मंदिर को लेकर के, और लोग किस तरीके से सचेत रहे, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पर, इसके अलावा अमेजन पर और तमाम जगहों पर इस तरीके के साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जानकारियां लोग डाल रहे हैं लोगों को, लोग उसको क्लिक करते हैं और उनके अकाउंट से पैसा चला जाता है। देखिए, आज हम सब के इतिहास में शायद एक सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होने लगा है, राम मंदिर का इनॉग्रेशन। तो प्रत्येक भारतवासी चाहता है कि वहाँ जाए, भगवान राम के दर्शन करे। तो उस आस्था के साथ जब वो ऑनलाइन ढूंढता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अब तो नए नए प्रकार के आपको ऑफर मिलते हैं कि आप कुछ पैसे दीजिए, आपको वीआईपी पास मिल जाएगा, आपकी एप्लीकेशन एक बहुत एक्सपीडाइटेड तरीके से प्रोसेस की जाएगी, थोड़े से आपको रजिस्ट्रेशन पैसे देने पड़ेंगे, आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, अगर आप उसके थ्रू स्कैन करेंगे तो आप लाइन को बाईपास कर लेंगे, आपको स्पेशल दर्शन मिलेंगे, आपको तमाम सारी स्पेशल सेवाएं मिल पाएंगी। अगर आप इन तमाम सारी बातों को विश्वास कर लेंगे तो संभावित तौर पर एक बात सुनिश्चित है कि आप कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के शिकार हो पाएंगे, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स नए नए प्रकार के तरीके अपना रहे हैं लोगों को, आप लोगों को टारगेट करने के लिए। और राम मंदिर जैसे इवेंट को अपना आज एक सेंट्रल थीम बनाते हुए ऑनलाइन फ्रॉड के नए नए स्कीम्स, नए नए प्रकार के इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं। तो आपने अपने आप को समझना है कि इस हिस्टोरिक ओकेजन पर आप साइबर क्राइम के शिकार ना हो। राम मंदिर के बारे में कुछ भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर, सरकार की वेबसाइट पर जाकर जरूर लें, लेकिन अगर आप ये चुनिंदा मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट वेबसाइट्स पे, थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर जानकारी को क्लिक करेंगे या कोई आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा, आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे तो संभावित तौर पर आपके अकाउंट से पहले तो लाजमी तौर पर पैसे जाएंगे और फिर इलीगली जाएंगे। पहले तो कुछ पैसे आपसे रजिस्ट्रेशन के तौर पर ले लिए जाएंगे और उसके बाद आपका जितना खाता है उसको खाली कर लिया जाएगा। तो आज ये नए नए प्रकार के ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स नजर आ रहे हैं, और अब क्योंकि टॉपिकल फ्लेवर ऑफ द सीजन ये राम मंदिर इनॉग्रेशन की का इवेंट है, इसलिए इसको टॉपिकल बनाते हुए एक थीम, ये साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं और ये सक्रिय रहेंगे अभी कुछ देर तक, इसलिए दायित्व तो आप पर होगा कि हमें समझना होगा कि आज गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुकी है। हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम साइबर क्राइम के शिकार ना बने, और उसके लिए हमें सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। और अगर 1% आप साइबर क्राइम के शिकार हो भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आसमान गिर गया है, आपके ऊपर फिर भी दायित्व होगा कि उसके बारे में आप रिपोर्ट करें। केंद्रीय सरकार ने आपको दो विशेष प्रकार की सेवाएं दे रखी हैं, 1930 यानी कि 1930 राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर कॉल करिए और साइबर क्राइम की केस शिकायत दर्ज कराएं। दूसरी बात, आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जा सकते हैं, cybercrime.gov.in, और वहां पर भी जाकर रिपोर्ट करें और जितने आपके परिवारजन मित्रगण लोग हैं उन सबको बताएं कि साहब मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई है, कृपया आप इस धोखाधड़ी के शिकार ना बने। जितने आप जागरूक रहेंगे, सावधान रहेंगे, उतने संभावित तौर पर इस तरह के राम मंदिर संबंधित जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम्स हैं, उनके शिकार होने से आप बच पाएंगे। गृह मंत्रालय का जो साइबर विंग है I4C जी, वो भी कुछ इसी तरीके से अलर्ट करता है और समय समय पर वीडियो जारी करता रहता है। इस दौरान कितने तरीके के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं राम मंदिर को लेकर के, एक तो वीआईपी पास दिलाने का हो गया, दूसरा क्यूआर कोड के जरिए पैसा, और कितने तरीके के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं? पहली बात तो I4C जो है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, एक अग्रणीय रोल प्ले कर रहा है आज लोगों को ज़्यादा जागरूक बनाने के लिए, और ऑलरेडी इन्होंने कई वीडियोस भी जारी किए हैं लोगों को सतर्क सावधान करने के लिए। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर मैं आज विभिन्न प्रकार के राम मंदिर संबंधी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर नज़र डालूं तो एक कॉमन थ्रेड, एक कॉमन थीम है कि कहीं ना कहीं आपकी जेब से पैसा निकालना है, और उसके नए नए स्वरूप, नए नए अवतार शुरू हो रहे हैं। पहली बात, आपको एक मैसेज आएगा कि साहब आपको फ्री पास मिल रहा है, लेकिन उस फ्री पास को खरीदने के लिए आपको पैसे देने हैं, एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है। दूसरी बात, आजकल एक नया तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड शुरू हुआ है जिसे कहते हैं कि वीआईपी पास मिल चुका है,
वो वीआईपी पास आपको इतने पैसे में मिलेगा। उसके लिए पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर पैसा दीजिए। और तीसरी, आजकल जो नए प्रकार की सेवाएं आ रही हैं कि आप वहां पहुंचेंगे तो आपको विशेष दर्शन मिलेंगे। उस विशेष दर्शन के लिए आपको स्पेसिफिक कितना अमाउंट ऑफ पैसा देना है, और अगर आप देंगे तो आपके दर्शन गारंटीड हो जाएंगे। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की पूजाओं के भी विभिन्न प्रकार के प्रपोजल्स या ऑफरिंग्स आजकल ये वेबसाइट्स दे रही हैं, जो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, गलत हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है आपने ऑफिशियल वेबसाइट से लेनी है। अगर आप इस तरह की थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर जाकर फंस गए, आपने पैसे दे दिए, तो आपके पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे। संभावित तौर पर जिस अकाउंट से आपने पैसे दिए हैं वो भी बहुत जल्दी खाली हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेट उनका टारगेट है कि इसके माध्यम से आपके अकाउंट में जितना सारा पैसा है वो निकाल लिया जाए। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के ये नए तरीके, नए स्वरूप, नए मैनिफेस्टेशन हैं जो हम सबके समक्ष आ चुके हैं, इसलिए हमें सावधान होना पड़ेगा। नए QR कोड्स आ जाएंगे, आपको विश्वसनीय प्रकार के मैसेजेस आएंगे, यहाँ तक कि अब नए मैसेजेस ये भी आने लग गए हैं कि आप आइए, कुछ लोगों को लॉटरी मिलेगी, लेकिन उस लॉटरी का हिस्सा बनने के लिए इतने पैसे दीजिए आप इस प्रकार की घटना में। तो कितने भी प्रकार के प्रकरण क्यों ना हो जाए, आपको अपने आप से पूछना है क्या ये बिलीवेबल चीज़ है, और दूसरी अगर बिलीवेबल है तो क्या मैं इसको बिलीव करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। किसी भी चीज़ को बिलीव करने से पहले अगर हम उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, ऑनलाइन जाकर ही सर्च कर लेंगे, तो हम खुद ही पता लग जाएगा कि साहब ये गलत है, बेबुनियाद है और साइबर क्राइमिनल्स का एक जाल है, एक झांसा है जिसमें फंसने के पूरे चांसेस हो जाएंगे अगर हम सावधान नहीं होंगे। तो केयरफुल हो जाइए, सतर्क होइए, सावधान होइए, और अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। जानकारी ये भी है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, चाहे वो जामताड़ा हो, मेवात का इलाका हो, इसके साथ ही भरतपुर, इन तमाम जगहों पर साइबर क्रिमिनल्स जो हैं काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, और वो इस दौरान राम मंदिर के लिए जो भी लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करने के बाद कोशिशें करते हैं कि उनका पूरा का पूरा अकाउंट खाली कर लिया जाए। लेकिन अगर इसमें सावधानी बरती जाएगी तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।